प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कहारबाड़ी जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जय हिंदू राष्ट्र कावड़ यात्रा में पथराव मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मुस्लिम पक्ष ने कोतवाली थाने में एसपी ऑफिस में आवेदन दिए हैं। मदरसे पर पथराव मामले में अपराध भी दर्ज किया जा चुका है और कुछ लोगों को पुलिस की टीम ने अभिरक्षा में लिया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। इस मामले में कल से अभी तक हिंदू पक्ष का कोई भी बयान सामने नहीं आया था। इस पूरे मामले को लेकर सहित कई विषयों को लेकर आज खंडवा के हिंदू नेता अशोक पालीवाल ने महादेवगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस विषय से संबंधित अपनी बात कही। आइए, उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। सिर्फ इतना कहना था कि उनके बीच में जो कांवड़िए पिट गए वो नहीं होना था। हमारे कांवड़ियों ने तो प्रशासन से दो कदम आगे बढ़कर कोई दुर्घटना ना हो उसको रोकने में 5 मिनट में इसी दुर्घटना को रोक दिया। अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा? प्रशासन सही कार्रवाई करेगा तो कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि वो अफवाह से ये शुरुआत हुई तो वो अफवाह है कि वास्तव में 4 पत्थर आए किसी और से, इसकी भी जांच अभी हमारे पास, हम भी ढूंढ रहे हैं, प्रशासन भी उन साक्ष्यों को ढूंढ रहा है। भाई साहब, एक सवाल था, बहुत चल भी रही चर्चाएं कि यात्रा पर पथराव या यात्रा में पथराव। देखो, न तो ये यात्रा में पथराव नहीं था, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि यात्रा पे पथराव क्या होता है कि आग भट्टी में अगर तेल उबल रहा हो और उसमें पत्थर मारेंगे तो छींटे उछलेंगे और स्वाभाविक रूप से जो आसपास खड़ा होगा वो जलेगा। तो किसी ने यह जो प्रयास किया नहीं किया यह खोज प्रशासन करेगा, ये प्रशासन का पूरा विषय है। हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि पूरा देश जो फुटेज देख रहा है उसमें स्पष्ट है कि प्रशासन से दो कदम आगे बढ़कर हमारे कांवड़िया स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। शेरगाज ने कल बोला था कि छल समारोह जितने भी चलते हैं उन पर रोक लगाई जाए, उसके लिए क्या उनका सीधा था कहना है कि छल समारोह ही एक तरीके से जो उन्माद की रोक लगाई जाए। देखो, वो तो कहावत है कि एक चोर को सारे चोर नजर आते हैं, एक चोर को सारे चोर नजर आते हैं। तो आज तक का इतिहास उठा के देख लो, पूरे देश का, खंडवा का देख लो, ब्रह्मपुर का देख लो कि किसके चल समारोह से सामूहिक रूप से हिंसा हुई, किसके चमाल चल समारोह से सामूहिक रूप से दूसरे धर्म के लोगों पर हिंसा हुई, किसके चल समारोह में सामूहिक रूप से दूसरे के धर्म के बारे में आपत्तिजनक मैं प्रमाण के नारे लगाए गए। इनके खिलाफ ऐसा होता है तो पूरा देश उबाल देते हैं। खंडवा नहीं, यहाँ प्रभु श्री राम को गालियां दी गई, यही खंडवा है जहाँ सैकड़ों की संख्या में पिछले वर्ष मुहर्रम के जुलूस पे, अन्य जुलूसों में सर तन से जुदा के नारे नहीं डीजे बजाए गए। तो ये हमको नहीं समझा है, ये खुद अपने गिरेवान में झाँक के देखे और जो भी सुधार करना हो अपने यहाँ करें। हमारे यहाँ तो सुधार है ही, इसलिए 5 मिनट में उस घटना को हमने प्रशासन के साथ मिलकर समेट लिया। ये श्रेय तो प्रशासन भी ले रहा है, एसपी भी ले रहा है कि ये तो हमारी उपलब्धि है कि हमारी पुलिस ने 4 से 5 मिनट में मामले को रफा-दफा कर दिया। प्रशासन से आपने इसके पहले कुछ प्रेस वार्ता की होगी जब लिया ना कल, तो ये हमसे अभी बात कर रहे हो तो हम अभी आपको बता रहे हैं और हम भी मैं प्रमाण के आपको बता रहे हैं, और प्रमाण हम नहीं ले रहे हैं, आपके कैमरे दे रहे हैं, उसमें उठा के आप देख लो। हमारा कांवड़िया पिटा भी तो वो नाराज हो रहा है कि हमारे अमित जैन जो इस कांवड़ यात्रा के नेतृत्व कर रहे थे उनको भी कुछ लगी, तो वो बार बार बोल रहे थे कि हमको क्यों मार रहे हो, यही था ना प्रश्न। कहीं दिख रहा है कि आपको कांवड़िया कोई जवाबदार कांवड़िया मार डालो काट डालो
है, जिस प्रकार की ये लिख रहे हैं कि मकसद कुछ और था, कोई ऐसा मकसद दिख रहा है किसी का? हमारा मकसद सिर्फ एक है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा मकसद एक है, सिर्फ भारत को अखंड बनाना। हमारा मकसद सिर्फ एक है, समाज को संगठित करना। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो असुरी शक्तियां हैं उनको समाप्त करना। उसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है हमारा, और सज्जन शक्ति का निर्माण करना। जब तक अभी हमारे संज्ञान में भी नहीं है, हम उस विषय पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा। हमने तो, इन्होंने जो कावड़ियों पे आरोप लगाए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमारे कावड़िए अगर उस स्थिति को नहीं संभालते तो 5 मिनट में वह स्थिति संभलने वाली नहीं थी। हमारी मंशा बहुत अच्छी थी, हमारा जो संदेश था वो सज्जन शक्ति की उपासना था। सब पता था, उसके बाद भी कार्रवाई थी। ये आप कैसे बता रहे हैं पता था? आप कोई गुप्तचर विभाग के हैं क्या? आप कोई गुप्तचर विभाग के हैं क्या? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है क्या कि उनको पता था? क्या भोलेनाथ के नारद है क्या आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नरगल बातों करने से कुछ नहीं होता। कोई भी विषय को थोप देना उठा के, बल्कि इनको बधाई देना थी उस कावड़ यात्रा के प्रबंधकों को और उस उन हिंदू वीरों को जिन्होंने 5 मिनट में घटना प्रशासन से मिलकर के साथ खड़े होकर अपने आप को दाव पर लगाकर, और उसके बाद भी आपने देखा कि वो शांत से व्यवस्थित थी तरीके से महादेवगढ़ पर अपनी कावड़ को लेके आए। तो इन्होंने तो धन्यवाद देना चाहिए कि साहब आप लोगों ने, ठीक है कुछ भी हुआ नहीं हुआ बात का विषय प्रशासन जाँच करेगा, पर यथास्थिति पर आपने भी नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाई, इसलिए आपका धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए था उन लोगों ने। एक और बात, घटना होने से बच रहे हमने अपने आप को कंट्रोल किया था, ये सब चीजें हमें चिढ़ाने को लेकर की गई थी, नहीं तो वरना कभी मान लो इधर से कुछ हो, मतलब दूसरे पक्ष से कभी। देखिए चिढ़ाने का विषय ये है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो दिन में 5 बार गवाही, उसमें गवाही वो लाइन है या इला इल्लल्लाह, वो गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा इबादत करने योग्य कोई नहीं है। तो इसका मतलब आप हमको दिन में 5 बार 500 सैकड़ों मस्जिदों से चिढ़ाते हो ना, तो हम चिढ़ते हैं क्या भाई? तुम एक हनुमान चालीसा में चिढ़ गए, और रही तुम्हारी हमारी बिगर क्रिया की, तुम अगर सोच रहे हो कि हमने बहुत धैर्य रखा, तो तुमने जो धैर्य नहीं खोया उसमें सबकी भलाई थी मेरे भैया, उसमें सबकी भलाई थी। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए धैर्य से ही रहो, हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। लगातार कि ये मामला जो हुआ इसमें दो समुदाय या दो धर्मों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मतलब जो घटनाक्रम हुआ उसमें। फिर उसके बाद जो बयानबाजी जो हो रही है वो तो कहीं ना कहीं वही रूप ले रहा है फिर, मतलब बयान देने वालों की गलती है ना, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। हम तो ये बयान आया उसके बाद हमको मौका मिला आने का, उसको जिसका जवाब हमें देना जरूरी है। जब आपको पता है कि दो समुदायों का कोई विषय ही नहीं था ये, तो आपको इतना उत्पात मचा के, इतने ज्ञापन लेके, इतना बड़ा संदेश देने के कि हनुमान चालीसा कहाँ बजाओगे, तुम्हारे बाप की, अरे हमारे बाप की हनुमान चालीसा भाई, तुम्हारा तो हमारे 33 कोटी है, तो हमको मालूम है ना कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है। रोज बजाएंगे हम, जहाँ इच्छा होगी वहाँ बजा लेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को चिढ़ाने का नहीं है, हमारा तो ये कहना है किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए, अपना अपना धार्मिक पर्व है। आप जैसे निकालते हैं आपके वाद्य यंत्र बजते हुए हमारे सैकड़ों मंदिरों के सामने से जाते हैं, हमारे घंटा घर के हनुमान मंदिर के सामने से जाते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर के सामने से जाते हैं, हमारे बड़ा बम के मंदिरों के सामने से आपके वाद्य यंत्र जाते हैं, मतलब हमारे तो सैकड़ों मंदिर आते हैं, हमको तकलीफ नहीं है भाई। आपको तकलीफ है तो मस्जिद डालो अपनी रोड पे से, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो सलाह दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ करें, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दिन में 5 बार खंडवा के सैकड़ों मस्जिदों से और भारत के लाखों मस्जिदों से
आप सभी एक गवाही देते हैं और वो गवाही यह रहती है कि अल्लाह के अलावा इबादत के और कोई भी काबिल नहीं है। ऐसी गवाही देने वाले हमें ना समझाए कि हमें हनुमान चालीसा कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये सबसे बड़ा तो ये उनके लिए उत्तर है। दूसरा, उन्होंने इसमें एक कहा है कि कांवड़ यात्रा का मकसद कुछ और था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मकसदों को कुचलने वाले लोग हैं, मकसद बनाने वाले लोग नहीं है। ये छोटे छोटे जो विचार होते हैं, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और तुम में दम हो तो रोक सको तो रोक लो। और जिस प्रकार की जो परसों की जो घटना हुई है, उस घटना में तो हमारे जो कांवड़िए हैं, इन्होंने जो कहा कि कांवड़ियों का मकसद था, आपको तो हमारे कांवड़ियों को, प्रशासन के साथ साथ कांवड़ियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे कांवड़ियों के साथ जो सुरक्षा वाहिनी चल रही थी, उन लोगों ने प्रशासन के लठ खाकर भी अपने आप को दांव पर लगाकर कोई बड़ी घटना ना हो इसे रोका। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सारे फुटेज खंगाल लीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि हमारे जो जवाबदार कार्यकर्ता थे उन्होंने किसी बड़ी घटना को होने से रोका। तो इस प्रकार का आरोप लगाना कि इनका मकसद कुछ और था, हमारा मकसद नहीं था, हमारा तो उस मकसद को कुचलने का उद्देश्य था। और एक विषय ये आया कि हाथों में शस्त्र लेके जो मातृशक्तियाँ निकली, तो आपके लोग जब भी शस्त्र लेके पूरे देश में निकले हैं, जहाँ भी निकले हैं, उनका उद्देश्य हिंसा रहा है। और हमारे शस्त्र जब भी निकले हैं, वैसे तो ये हमारे भोलेनाथ की कावड़ थी, तो शिव के साथ शक्ति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनबैलेंस होता है। तो अनबैलेंस को रोकने के लिए शिव के साथ हमारी शक्ति चल रही थी, और हमारी शक्ति हिंसा के लिए नहीं चलती है, वो हिंसा को और हिंसकों को समाप्त करने के लिए चलती है। तो इस प्रकार का अनर्गल जो उन्होंने जो संदेश दिया हनुमान चालीसा के बारे में, तो हमें आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप हमें जो 5 टाइम सुना रहे हैं कि अल्लाह के अलावा, आप जो बार बार जो गवाही दे रहे हैं उसमें गवाह कहा गया कि उसके अलावा पूजने के कोई भी योग्य नहीं है, इतना ही अगर आपको ऐसा लगता है, सर्वधर्म समानता आपको लगती है, तो पहले आपके वो भोंगे और वो स्पीकर बंद करें, और जो भी आपको कहना है आपके बंद कमरों में आपके समाज को कहें। हम बाकी सनातन समाज को ये सुनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो हनुमान चालीसा सुनाई है आपको, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ पूजने योग्य, आप पूजने योग्य नहीं। देखिए, सनातन धर्म की कावड़, सनातन धर्म कोई एक विशेष पद्धति को लेकर चलने वाला धर्म नहीं है, वो मानवता की रक्षा के लिए, सर्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जिस प्रकार हम 33 कोटि देवताओं का पूजन करते हैं, वैसे हमारे धर्म में कोई ऐसी बंदिश नहीं है। सब अपने अपने अनुसार अपने धर्म का अनुसरण करता है, पालन करता है, और यह हमारी कांवड़ यात्रा समाज जागरण की कांवड़ यात्रा है। तो समाज जागरण के लिए जो जो हमको करना है वो हम करके निकलते हैं, और समाज में एक सुरक्षा का संदेश देते हैं। हम शक्ति का प्रकटीकरण तो करते ही हैं, पर वो हमारी शक्ति सज्जन शक्ति होती है, जो आपने नहीं पूरे देश ने वीडियो में देखा कि हमारी सज्जन शक्ति ने इस छोटी सी घटना को 5 मिनट में ही, प्रशासन की उनने भी लाठियां खा ली, पर कोई बड़ी घटना बनने से रोक दिया। अगर ऐसा नहीं होता, हमारे विचार कुछ और होते, तो हमारे साथ 7 साल के भी सैकड़ों कांवड़िए थे, 7 साल से 12 साल तक के कम से कम 400-500 कांवड़िए चल रहे थे, हम उनको लेकर नहीं चलते।
वो ये बोल रहे थे कि कहीं और करना था, ये जगह क्यों ऐसा? आपने मस्जिद रोड पर बनाई क्यों? अगर आपको इतनी हनुमान चालीसा बुरी लगती है तो मस्जिद हटा लो रोड पे से। अरे हमारे मंदिरों के सामने आपके अल्लाह अकबर कहते हुए लाखों डीजे निकलते हैं, हजारों युवा निकलते हैं। हमने कभी प्रश्न किया है कि अल्लाह की आवाज़, हमने आपके अजानों पे प्रश्न उठाया है कि आपकी आवाज़ हमारे कानों में क्यों आती है? कि सिर्फ अल्लाह की उपासना करो, आपकी गवाही हमारे कानों में आती है, सुबह 4 बजे 6 बजे 5-5 बार आती है। हमने रोका है कभी आपको? जो आप हमें कहेंगे कि यहाँ मत बजाओ वहाँ मत बजाओ, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। यह सनातन धर्म है, सिर्फ इसी ने किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया है, बाकी आप उठाकर देख लो आपका इतिहास कि आपके शस्त्र का कैसा उपयोग हुआ है और हमारे शस्त्र का कैसा उपयोग हुआ है। मदरसे भी पथराव मैंने आपसे पथराव वाले विषय में तो ये बोला कि उसकी जांच शासन प्रशासन कर रहा है, हमने उस छोटी सी घटना को जगह पर ही रोक दिया। हमारे कावड़ियों का ही शौर्य और पराक्रम था कि वो मैदान छोड़ के डटे नहीं, मैदान छोड़कर हटे नहीं। हम विध्वंस करने वाले लोग नहीं है, हम सृजन करने वाले लोग हैं। पुलिस प्रशासन ने भी लाठी चार्ज करी, जिस तरह कावड़ियों को मारा, कावड़ियों को मारा जा सकता है क्या इस तरह से? देखिए वो तो उनको समझने वाला विषय है। पुलिस ने कुछ कावड़ियों को भी उठाया है? नहीं, गावड़िया हमारा एक भी नहीं उठा, जो छत्म भेष में जिन लोगों ने कोई गड़बड़ी की होगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, क्योंकि कावड़िया तो उस स्थिति को संभालने में लगा था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब तो 5 मिनट में स्थिति संभल गई। अगर कावड़िया विध्वंसक होता तो 5 मिनट में स्थिति संभलती क्या? आप ही बताइए। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।